क्वेश्चन है आपका C इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में बदलो। देखो ये टेम्परेचर दिया हुआ आपको है ना, C इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है ना, तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस को हमें किसमें दर्शाना है, फारेनहाइट में। इसका तापमान कितना, मतलब इसका मान कितना होगा फारेनहाइट अगर थर्मामीटर से नापेंगे। देखो थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारे शरीर का टेम्परेचर नापता है ना। तो टेम्परेचर नापने के लिए जो पैमाने हैं, एक तो सेल्सियस पैमाना, एक फारेनहाइट पैमाना है, एक केल्विन पैमाना है, एक रूमर पैमाना है, चार पैमाने हैं। कितने पैमाने? चार, है ना। तो खासकर दो उपयोग में आते हैं, एक सेल्सियस वाला और एक फारेनहाइट वाला, है ना, ठीक है ना। तो अब C इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, जिसे वही 40 डिग्री टेम्परेचर है, आज का दिन का 12 बजे का तापमान कितना है, बोले 40 डिग्री सेल्सियस है। तो कोई बोलता है कि नहीं ज्यादा है ना, अगर वो फारेनहाइट में नापेगा तो ज्यादा, उसका मान ज्यादा होगा, है ना। कैसे होगा, तो अब अगर C बराबर 40 है तो F में इसका मान कितना होगा, F मतलब फारेनहाइट, F का मतलब फारेनहाइट। अब फारेनहाइट में इसका मान कितना होगा, तो जब हम इसको फारेनहाइट में इसका मान निकालेंगे तो देखो C अपॉन 5 इज इक्वल F माइनस 32 बटे 9, ये इसका सूत्र है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का आप उपयोग करेंगे तो C को F में चेंज कर पाएंगे, C को F में चेंज कर। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपना टेम्परेचर अपने को मुंह में थर्मामीटर डालता है और फिर देखता है 110 डिग्री बुखार है, क्या बोलते हैं, और 110 डिग्री बुखार है। तो अपन सोचते हैं यार वो स्कूल में तो टीचर ने बोला था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाप बन जाता है इंसान, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी क्या निकल जाता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है ना। तो बोले यार 110 है, नहीं मैं तो ऐसा कैसा ही हूं अभी। तो वो 110 क्या है, वो फारेनहाइट है ना, ठीक है ना। तो देखो अब सी की जगह अपन कितना पुट कर देंगे, सी की जगह हम कितना पुट करेंगे 40, तो सी की जगह 40 रख दो, सी की जगह 40 रख देंगे अपन, एफ माइनस 32 बटे 9, और फिर यहां से हो जाएगा क्रॉस गुणा, है ना। तो 9 चौक 36 है ना, 9 चौक हो जाएगा आपका 36, 0 की 0, और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5F माइनस 5 का गुणा हम 32 में करेंगे कितना हो जाएगा, 32 पंजे 5 दुनी 10, 10 की 0, 5 दुनी 10, 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये 360 है ना, ये ऋण के कितने 160 रुपये इसके पास आ जाएंगे, ये 160 आ गए इधर, ये ऋण के प्लस हो गए, और ये 5 F है ना। अब 360 और 160, 360 और 160 कितने हो गए भैया, 360 और 160 कितने हो गए 520, 520 हो गए, वेरी गुड 520 है ना। चलो अब अपन यहां पे 520 लिख लेते हैं, चलो तो ये हो गया आपके 520 बराबर कितना 5F है ना, ठीक है ना। अब F का वैल्यू निकालना है ना, तो ये इनटू में हो तो खड़ा हो जाता है, बटे में आ गया ना बटे में, वो 5 से कटेगा ना, ठीक है, 5 से काटो या 5 से इसको भाग दो, तो 5 एकम 5। अब 5 के पाड़े में 2 आते हैं क्या, नहीं आते ना, तो हमें 2 अंक एक साथ लेना पड़ेंगे, और 2 अंक एक साथ लेते हैं तो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, 2 अंक एक साथ लेते हैं तो 0 लगाना पड़ती है, क्या लगाना पड़ती है, 0 लगाना पड़ती है, है ना। 2 अंक अगर अपन एक साथ लेंगे तो अपने को 0 लगाना पड़ेगी, समझे कि नहीं, है ना। फिर 5 का पाड़ा बोलो 20 आ जाए, 5 चौक 20,
तो एफ का वैल्यू कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू 104 डिग्री फॉरेनहाइट। ये फॉरेनहाइट, समझ गया ना। तो अब डॉक्टर ने बोला अपन को, भैया आपको तो 104 डिग्री का बुखार है। 104 डिग्री का बुखार मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर उस समय कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में नापेंगे तो 40 डिग्री है, तो फारेनहाइट में नापेंगे तो 104 डिग्री है, जिसे हमारे यहां पे एक रुपया है ना, है ना। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका का एक रुपया, अमेरिका का एक रुपये को अपने यहां पे एक रुपया, इसे अमेरिका का जो एक रुपया उसका नाम क्या है, अमेरिका का एक रुपये का नाम क्या है, डॉलर। एक डॉलर वहां का, एक डॉलर इंडिया में लाएंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे। अगर यहां पे एक डॉलर अपन तोड़ेंगे उसको, उसके खुले करेंगे इंडिया, इंडिया की करेंसी में, तो कितने रुपए बनेंगे, 70 रुपए बन जाते हैं। हाँ 70, 75, 75 मान लो, चलो 75 रुपए हो गए। तो समझेंगे नहीं, एक वहां का एक डॉलर, यहां के 75 रुपए। इसी प्रकार फारेनहाइट का 104 डिग्री का मान सेल्सियस में कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। समझे कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम C का मान F में और F का मान C में बदल सकते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गया ना, चलो अच्छी बात है। आ गया समझ में आपको, ये मान बदलना आ गया ना, चलो अच्छी बात है, मान बदलना आ गया। तो